दौर के खींचते ही हमारा यह ध्वज स्वतंत्र बयान के नीले मुक्त बदन में फहरा उठेगा। सर पर धारी टोपी मानो नीले आसमान की बुलंदियों को छू रही है। टोपी पर लगी लाल कलगी आज गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर ये बसंती सर्द बयार कुनकुनाती धूप खिलती हुई रवि की सुनहरी किरणें भी अपने देश के गणतंत्र दिवस के पावन पर्व। प्रिय भाइयों और बहनों, भारतीय गणतंत्र के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को आर्थिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये समय है न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुता के प्रति भारतीय संविधान के लागू होने पर हर्षित होने का ये प्रसंग है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं संविधान सभा के सभी सम्माननीय सदस्यों के योगदान के प्रति गर्वित होने का यह अवसर है। देश के अमर शहीदों के बलिदान को स्मरण अभूत होने का यह दिवस है। अधिनियमित संविधान के प्रति पूरी आस्था के साथ आत्मसमर्पित होने का यह हमारा सौभाग्य है। राज्य सरकार मध्य प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्रफल को 2024 25 40 लाख हेक्टर से बढ़ाकर 63 लाख हेक्टर तक बढ़ाने का हमारा संकल्प है। वित्त वर्ष 2021 में लगभग 1,25,000 हेक्टर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य हमारा है। मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 27 बड़ी योजना, 47 मध्यम योजना, 217 छोटी लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण अधीन है, जिसकी कुल लागत 61,000 करोड़ रुपए तक है। सिंचाई क्षमता 23 लाख हेक्टर से अधिक है। इन निर्माण योजनाओं को अब तक लगभग 4 लाख हेक्टर से अधिक की सिंचाई सुविधा विकसित की जा चुकी है। हमारे राज्य के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5 जिलों में 1,706 करोड़ रुपए की लागत से भू जल स्रोतों को लघु और सीमांत कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अटल भू योजना अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र के 9 विकास खंडों में 674 ग्राम पंचायत हेतु 324 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की स्वीकृति की गई है। हमारे झांकी का कार्य देखिए।